गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो लेके आ गया तुम लोगों के लिए। तो यार इस वाली वीडियो कुछ टिप एंड ट्रिक्स से रिलेटेड होंगे, जैसे कि तुम लोगों ने थंबनेल और टाइटल पढ़ लिया देख लिया वही होंगे इस वीडियो के अंदर। किस तरीके से हमने 4G फोन के अंदर या फिर 3G, वैसे तो आजकल 3G फोन कोई चलाता भी नहीं है, शायद ही चलाते हैं, लेकिन जो 4G फोन है उसके अंदर तुम जो 5G उसे इनेबल कर सकते हो। तो जैसे कि तुम मेरे फ़ोन का ऊपर देख सकते हो जो 5G है यहाँ पर दिखा हुआ है, तो जो 5G यहाँ पर एनेबल कर सकते हो किस तरीके से कर सकते हो इस वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक भी स्टेप अगर मिस हो गए तो शायद तुम जो 5G सी जो वो यहाँ पर देखने को ना मिले। तो यार अच्छी तरह से वीडियो को देखना। और हाँ गाइस, यहाँ पर इस वाली वीडियो के अंदर मैं और एक 5G से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बतानी इस वीडियो के लास्ट तक, तो वो भी देख के ही जाना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं आज के मज़ेदार वीडियो को। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family, credit cards in the scammers, getting the licks in the band, legacies. तो गाइस यार इस वाली वीडियो के अंदर मैं डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो मैं यहाँ पर तुम लोगों को ट्रिक देने वाला हूँ जो कि 5G को एनेबल करने के लिए। तो सिंपल सी वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो देखो यहाँ पर तो तुम लोग जानते हो कि जो 5G मोबाइल से ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो मोबाइल से वो बजट मोबाइल नहीं है, कुछ जो प्राइस वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हमारे जैसे लोग मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ा मतलब जो मोबाइल खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं तुम लोग ये ट्रिक दे रहा हूँ। एटलीस्ट तो तुम्हें कुछ ना कुछ 5G की तरह तुम्हें यहाँ पर स्पीड तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करनी है, पहला जो ट्रिक है वो ये कि देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो 5G स्पीड कैसे इनेबल कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। कुछ आपको मतलब एक्सेस पॉइंट के अंदर जाकर कुछ थोड़ी बहुत आपको चेंजेस करनी है, बाकी मैं खुद से अभी यहाँ पर जो स्पीड है वो 5G जो मैंने कस्टम किया था वहाँ पर वही मैं यहाँ पर अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर करनी है तो ऊपर जो आई बटन में वीडियो दिख रहे हो उस वीडियो को देख लो एक बार, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद तुम जो सीधे समझ जाओगे किस तरीके से करनी है, बहुत ही आसान है। सभी सेटिंग्स अपने मोबाइल के हर एक एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर होती है, तो जाके वो तुमने सिंपल सी वो सेटिंग जो है उसे चेंज करनी है। दूसरी ट्रिक क्या है अभी बता रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो नेक्स्ट वाली ट्रिक है, इसके लिए तुम्हें सिंपल सी एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, जो जिस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी जो एप्लीकेशन ओपन कर दी तुम्हें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, रोको गाइस, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे मतलब वैसे और उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करनी है, ठीक है। तो उसके बाद तुम इसे कट कर सकते हो होम प्रेस करके, और ऊपर दिखा देता हूँ यहाँ पर जो 5G है, 5G नेटवर्क मेरा एक्टिव हो गया है, तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बारे में जो असलियत में उसके बारे में बताता हूँ, तो ये वाली जो ट्रिक है, नेक्स्ट वाली जो ट्रिक बता है यहाँ पर सिंपल सी ये वाली चीज बस दिखावे के लिए, ऐसे कोई तुम्हें कोई 5G स्पीड सही में नहीं मिलने वाले जब तक तुम एक 5G डिवाइस नहीं खरीद लेते। लेकिन जो पहला वाला ट्रिक है वहाँ पर अगर तुम जो सेटिंग चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने दिखाया था उस तरीके से तुम अगर चेंज करोगे तो वहाँ पर हाँ तुम्हें जो 4G का मैक्सिमम स्पीड वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जो स्पीड है तुम उसी तरह से ले सकते हो जैसे वो सेटिंग चेंज कर रहे हो। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो के अंदर। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। हाँ मुझे ही पता है कि ये जो ट्रिक है जो लास्ट नेक्स्ट वाले ट्रिक, तो इसके लिए मुझे शायद से बहुत अजीब अजीब कमेंट्स या फिर डिसलाइक देखने को मिल जाए, लेकिन कोई बात नहीं, जो पहला वाला से उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मतलब एक तो लाइक कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिटलेन बाय बाय, टाटा सी यू, टेक केयर गाइस।